अभी 12:45 हो चुके हैं और अभी हम 5 तक पहुंच चुके हैं, तो जो भूख है वो शदीद लगी हुई है। कितने बजे निकले थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मसला ये है कि अभी हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है लंच के ऊपर कि आज हमने क्या खाना है। वकास साहब जो हैं वो कह रहे हैं मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, और अवैस साहब और मुजम्मल साहब जो पजीद हैं कि वो बिरयानी खाना चाहते हैं, लेकिन मैं इन्हें कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खाना, मैं जस्ट फास्ट फूड लाइक करता हूँ। तो ये मुझे भी लालच दे रहे हैं कि आप व्लॉग बना लेना तो हम आपको बिरयानी वगैरह खिलाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को भी एग्री नहीं कर रहा। अभी ये दोनों जा रहे हैं और मुजम्मल साहब जो हैं ये अभी भी काम किए जा रहे हैं, इनको तो कोई होश ही नहीं है काम के अलावा, इन्हें कुछ नहीं आता। खैर अभी 12 बज चुके हैं, अभी हम कॉलेज से निकले हैं। गर्मी की शिद्दत कल की नस्बत तो कम है, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी जो है मौसम ठीक है, नॉर्मल है, चूँकि हवा चल रही है। ये आपको ननकाना का जो है मिनी मनारे पाकिस्तान नज़र आएगा सामने, तो ये बाईपास है, अभी हम ननकाना इंटर हो रहे हैं। तो अभी घर वापस जा रहे हैं, तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो मुजम्मल साहब जो हैं लेट्स सी मेरी बात मानते हैं या नहीं, रस्ते में मनाने की नहीं कोशिश करूँगा कि आज हम कुछ फ़ास्ट फूड खाते हैं, क्योंकि रमज़ान था, रमज़ान के बाद आज यानी ईद के बाद हम पहला दिन है कॉलेज हमारा, तो अक्सर हमारी रूटीन रहती है कि लंच हम बाहर से करते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा खा के जाते हैं। खैर अभी तो आप सफ़र को एंजॉय करें, क्योंकि हमारा जो सफ़र है अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो हमारा सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो भी इतनी शदीद गर्मी में जो सफ़र करना होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, लेकिन जब हम सफ़र को एंजॉय करते हैं तो वो सफ़र ख़त्म हो ही जाता है। फाइनली अभी हम 5 तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर एक पिज़्ज़ा हट है जो अभी न्यू बना है, लेकिन उनका टेस्ट अच्छा है। तो अभी हमने फ़ाइनल डिसाइड ये किया है कि यहाँ से अभी हम कुछ मेन्यू सेलेक्ट करके कुछ लंच करते हैं। तो अभी हम बाइक लगा रहे हैं और मैं इन्हें कह रहा हूँ कि अभी छाँव में लगाने के, जब धूप में बाइक होती है तो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। तो अभी हम मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है, तो मैं कह रहा हूँ चले मैं देखता हूँ सिंगर बर्गर वाली डील को ही देखते हैं, इनका जिंगर बर्गर मुझे ज़्यादा पसंद है, यहाँ का पिज़्ज़ा तो इतना ख़ास मुझे नहीं पसंद। तो फाइनली जो डील है वो हमें मिल गई है, गोल्डन डील, जिसमें दो जिंगर बर्गर होंगे, कोल्ड ड्रिंक होगी। तो ये व्यू है, नया पिज़्ज़ा हट बना है, अच्छा है टेस्ट, तो विज़िट कीजिएगा। अभी ऑर्डर दिया है, ऑर्डर में हमने क्या किया, ये गोल्डन डील हमने ऑर्डर किया है, तो अभी वेट कर रहे हैं ऑर्डर लगने का। और मुजम्मल साहब को शदीद भूख लगी और अभी वो कह रहे हैं कि कुछ और भी साथ होना चाहिए, तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आज हम जिंगर बर्गर ही खाएंगे, क्योंकि घर में भी खाना बना हुआ है तो वो भी जाके खाना चाहिए। फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, तो अभी बर्गर भी आ चुके हैं और कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है, तो अभी लंच करने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फाइनली लंच करने के बाद अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो अगर मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहा करें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।